मैं स्पेशल लाइट लेकर आई हूँ ताकि हम थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अनमोल आ गई हैं उमरा करके और अभी वो हमारे पास आई हैं और मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लूं। अभी रात का काफ़ी टाइम हो रहा है, हमने उसको बोला है कि हम बैग सुबह खोलेंगे लेकिन वो कह रही है नहीं जी अभी खोलने हैं। उन्हें जुनून सवार हो गया है तो फिर सानू भी जुनून सवार हो गया, कोई चौथा बैग असं खोलन लगे साढ़े काम की एक भी चीज़ नहीं, साढ़ा कोई तोहफा तहफ नहीं निकलिया। बट लेट्स सी। वाओ ये क्या जल्दी दिखाओ, ये आंटी का है, ये आंटी की शुअर का ठीक है इनको। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, ये वो ये ड्रेस पहन के मैं स्टाइलिंग करूंगी। इनका भी ये भी आंटी की शुअर का। वाओ वेरी प्रिटी, कैन यू शो प्लीज। वाओ वेरी नाइस, शो मी दिस वन टू। वाओ वेरी प्रिटी, आई लव इट। ये चीजें हैं, ये हमें नहीं पता है किसी और की चीजें। यहाँ पर हमारी चीजें ये निकाल लो, आगे हमारी चीजें कहाँ है? प्लीज तुम लोगों को बस ला रही हूँ, तुम्हारा मैंने सारा दिन इंतजार किया है, सारा दिन रखो। रात के 4 बज रहे हैं और ये मेरा नया मोबाइल है जो कि दिसंबर तक आएगा। जस्ट किडिंग, ये नोमा का मोबाइल है, नोमा आ गई उसका। कैमरे में देख के हाथ हिला दें, ये बैग जो है जिसके ऊपर मैं फटा करी थी, इट्स नॉट आवर, ये किसी और का बैग है। ये दीदी का, ये मुझे तो दीदी को तुम दे दो, उनका मेरे को फटा हुआ ही मुझे दे दो, कितना मेरा और हुआ भी बैग पे। फिर फुल भूखी हो चुकी है, बहुत बातें सुन रही कि 4000 का बैग है तो पास रखे, मैं अभी अपना ऑर्डर करी हूं। छोड़ो इसको, मुझे बताओ कि मैं ले क्या लाई हो। मुझे क्या लाना है, प्यार है, वेरी कूल है। तुम लाई हो कुछ मार्केट के लिए? नहीं तुम लाई हो, हमने रोटी नहीं दी तुम्हें। चलो वो मैं बना रही हूं इसको, देख क्या क्या खाई थी तो मैंने इसको बना बना के खिला लिया, अब मैं भी नहीं खिलाऊंगा। ओके बाय। रात को परी बेचारी 2-3 घंटे से वेट कर रही थी हमारे आने का, लेकिन बट नोमा से कुछ भी नहीं लाई, प्रैंक हो गया, कैमरे प्रैंक हो गया। ये दो जो है खतून बैग खोल रही हैं, पूरी जद्दोजहद हो रही है, महंगे महंगे जूते पहन के बैग भी खोल रही हूँ। ये सोए नहीं, ये वो नहीं है। ओ वाओ ये क्या, ये तो वही वाला बैग है मुझे लगता है। जल्दी जल्दी निकालो, ब्लॉग में लेकर आऊं तुम्हें। बिग बॉस बनी हुई है ना, बैग लटका के। ओ हो क्या कर रही हो, सारी बातें तुम लोगों की रिकॉर्ड हो रही है मेरे ब्लॉग में। बाद से बगैर तो मेरी आईफोन 13 में मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना ले। नंबर तो नहीं आगे अंदर में? नहीं नहीं, जूम और जूम आउट कर देंगे। चलो बहुत हुआ, वाओ बहुत प्यारी, जितनी बड़ी दिखाते हुए बहुत प्यारी है। मैं बता आपको पता है ना, नहीं लेकिन मॉल मेरे लिए लेकर आई है सऊदी अम्मी बहुत डांट रही है ना उमा को, तुम क्यों लेकर आई चीजें, अम्मी हमें तो मिल लेने दो चीजें। फिर क्या देख कर रही हूँ के ओ वाओ नरेश की जैकेट दिखाना तितली, कैसे दिखाऊं मैं बैग, क्या नहीं करना आ रहा मुझे, आईफोन 13 पकड़ के मुझे करना ही नहीं आ रहा, ऐसे ही कर देती तुम हटो, बल्कि ऐसे घूम जाती हूँ। ये जो है ये नरेश की जैकेट है, ये नोमा खाला लेकर आई है और बहुत प्यारी है, मुझसे बैग कैम नहीं हो रहा। ये मेरे लिए बैग आया है अभी, मैंने इसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बहुत प्यारा बैग है और बहुत हैंडी है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है कि आप इजीली कैरी कर सकते हैं। एक ये बैग है, ये नायाब का बैग है और ये भी मैं ही यूज करूंगी, यू नो ये बैग भी मैं ही लेके जाया करूंगी ना, क्योंकि बाहर तो सिर्फ मैं ही जाती हूँ। तो आई लव इट, थैंक यू सो मच डियर सिस्टर। ये भी लाया, वाओ नाइस। ये वो है ना वो सूरज के बीज, सूरजमुखी वाले फूल के, आई लव इट, ये बहुत मजे के होते हैं। ये मक्का की मजेदार खजूरें हैं जो मैं खाने लगी हूँ। हमने सामान नहीं उठाया और ये इस वक्त सारी चीजें यहीं पर पड़ी हुई हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई आए और मेरे साथ उठवा के रखवा दे। बस जैकेट नरेश की है और यू नो पाकिस्तान में हर चीज जो है बच्चों की वो पहले ही बड़ी चीजें आ जाती होती है और ये मुझे भी पूरी आ गई, छोटे होने के भरपूर फायदे उठा रही हूँ मैं पतले होने के, जैकेट मुझे भी पूरी आ गई। वाओ दैट्स नाइस, नरेश तो बड़ा होके ही पहन पाएगा, तब तक मैं इस जैकेट को पहनूंगी। मेरा ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, अभी मैंने नमाज वगैरह अदा कर ली है इशा की
और मैं किचन में जा रही हूँ बर्तन धोने, बहुत ज़्यादा बर्तन है, हिम्मत नहीं थी, लेकिन पता है कि यार करना तो मैं ही है, तो फिर उठ जा, तो क्योंकि सुबह तो संडे और काम वाली भी नहीं आएगी तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और अभी मैं जाती हूँ बर्तन वगैरह धोती हूँ, और फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, और देखते हैं खाने में आज क्या बना है कुछ मज़ेदार, तो फिर मैं व्लॉग को एंड करूँ। ऐसा क्या सबको पता है, रात वाली वीडियो जो है मैंने आईफोन 13 से बनाई थी, मतलब कि जो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी वो आईफोन 13 से बनी थी वो वाला व्लॉग, और ये अब मैं अपने मोबाइल से आईफोन 8 से रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ सबके लिए, तो अभी किचन में चलते हैं और चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं और बैठ के बातें शातें करते हैं। रात को हमने गिफ्ट्स खोलने में और मिलने मिलाने में सारा टाइम गुजार दिया था, तो अब कैमरा ही सेट नहीं हो रहा। अब मैं चाय बनाने लगी हूँ, और चाय बनाने का कोई ख़ास तरीका नहीं होता, जो मैं बनाती हूँ हमेशा वो बहुत मज़े की बनती है ना। आप कह रही थी मैंने बनानी है, मैंने कहा नहीं नहीं मैं चाय बनाती हूँ भाई, बहन है ये स्पेशल चाय बनेगी। तो चाय में मैंने जो है पानी, सौंफ, पानी के अंदर ना मैं पहले सौंफ वगैरह डालती हूँ, सौंफ और हाँ बस इलायची, अगर आपको इलायची वाली नहीं पीता तो खाली सौंफ से उसका थोड़ा सा कलर वगैरह निकाल लें, फिर पत्ती डालेंगे, और फिर हम पत्ती को एक दो जब वो बॉयल हो जाएगी एक दो बार, तो उसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी, फिर चाय बॉयल हो जाएगी और चाय रेडी हो जाएगी, बहुत 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 मज़े की बनती है। हाँ, चीनी वगैरह जो है एंड वाले उबाले में आप लोग शक्कर डाल लें, और चीनी जो है फिर शुगर वाले पेशेंट की निकाल के चाय और आप चीनी डाल लें। ये जो है सौंफ ही नहीं है, प्रैंक हो गया, मैं बड़ा ही बताने लगी थी कि अब मैं सौंफ डालने लगी, सौंफ है ही नहीं, सौंफ निकाल लें, सौंफ नहीं थी, सौंफ, ओए होए यार सौंफ मिल गई है, मैं डालने लगी दिखाओ मुझे कलर, देखो कौन से कलर है, एक ये एक ये कलर है, ये वाला अच्छा, ओ अब आ गई है तुम, बताती तो सही, अब तुम फेमस हो जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता। ये है तस्वीर, सबको पता है, ठीक है, हाँ नहीं 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 हम लेकिन हैं, नहीं, नहीं, हम हैं, लेकिन ये बहन लाई है ना तो ज्यादा प्यारी लगती है, फिर ऐसी चीज ये वाली अच्छी लगी है, हाँ है ना, हाँ दो लेनी है ना, एक और कौन सी लोग चल रहा है ये वाली बहन स्टॉप पे बेचती थी, ग्रीन वाली ले लो, ग्रीन वाली, आज उसने राज खोल दिया कि 3 महीने स्टॉप पे बेच रही है, नहीं ऊपर ऊपर, अगर तुम ऊपर नजर आ रही है, खातुम तस्दी इधर आओ, पानी पी लो, मैंने दो कलर सेलेक्ट किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, नाइट पढ़ने भी हैं, ये तो तुम्हें कहना चाहिए मुझे ये पढ़ना, मैं पढ़ती हूँ, अच्छा ये सॉन्ग मैंने डाल दिया, ये क्या पानी बॉईल हो रहा है, सही बताओ, नहीं नहीं चाय बनाने का तरीका होता, तुम्हें बनानी आती है चाय, अल्लाह तुम जब बना के पिला रही है ना, हम एक साल से हम जैसे पी रहे हैं हमें ही पता है चाय बनाने का तरीका होता है, पी ही जा रही है, चार दफा पी ली है, क्या आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि चाय बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, नहीं कोई सोच को डालिया पड़ेगी, सिर्फ ब्लॉग बनाते वक्त काम करती है ये सौंफ और पत्ती, जब मैंने डाल दिया तो कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा, और अब मैं दूध डाल दूंगी फिर हमारी चाय तैयार हो जाएगी। अच्छा काफी लोग कहते हैं लो जी चाय बनाना भी कोई काम है ये वो ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं आप लोगों को सच बताऊं कि चाय हर कोई अच्छी नहीं बनाता, बहुत जगह पे मैंने चाय पी है, कुछ लोग बहुत पानी जैसी चाय पीते हैं, कुछ लोग बहुत गाढ़ी चाय पीते हैं, कुछ तेज पत्ती पीते हैं, कुछ कम पत्ती पीते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने भी मेरे घर मेहमान आते हैं जो भी आते हैं सब कहते हैं परी के हाथ की चाय पीनी है, तो हूँ तो सारे व्लॉग में क्या ना, क्योंकि व्लॉग च बड़ा कैरी सा चाय पियाएंगे, हूँ चाय बना के पिया, ठीक है, तो जो है इस तरह से चाय जो बनती है ना बहुत अच्छी बनती है, मतलब हसबे जायका नहीं मतलब बहुत अच्छी बनती है, एजड लोगों को, यंग को, हर एज के बंदे के मुताबिक चाय होती है ये, तो अब मैं चाय के बॉयल होने का वेट कर रही हूँ, अब मैं टेरेस में आके खड़ी हो गई हूँ, टेरेस में नहीं कमरे में ही हूँ और टेरेस दिख रहा है, अब मैं वापस जाती हूँ इससे पहले कि चाय ख़राब हो, और आप लोगों को एक दिन मैंने होम टूर भी कराना है लेकिन कुछ टाइम तक, ये मेरी चाय का कलर होता है और अब मैं पीने लगी हूँ, ये नहीं मैं पीते हुए बताऊँगी, मज़े का कलर है, चाय ज़्यादा बन गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये चाय अब कैसे पीऊँ, जिमा ये क्या कर रही हो, भाई ग्रोसरी रख के लेके,
ये देखो जिमल क्या करी, जल्दी देखो सारे तोताराम करके दिखाओ, वो देखो देखो तोताराम क्या कहते हैं इसको, क्रोसेंट और भी कुछ कह रही थी तुम, चिकन क्रोसेंट। हाँ वो डोसा बहुत मजे का, आई लव इट, वक्त ही बहुत मजे का। इसके अंदर जो चॉकलेट है ना, ये चॉकलेट है ना, चिकन क्रोसेंट बहुत क्रीम क्रोसेंट भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत मजे का है। ये तो मैं एक ही लेके आई हूँ, मुझे चॉकलेट वाला बहुत पसंद आया। अगर किसी ने मुझे भिजवाना हो याद है, सोदिया से 2200 कोई भी आए मेरे लिए क्रोसेंट लेकर आए। बिल्ली लाइट पिस लेके चली गई है, थैंक यू नो मा दो ही था इधर तो, ये क्या बात है, ये मेरा है वापस करो, उसने मुझे दिया। वैसे बहुत गलत बात है, शक्ल तो वाकई बहुत खराब हुई हुई है, वैसे बहुत गलत बात है। ये नवाबजादा जो है ये दही भल्ले नहीं खाता, इसकी अपनी डिमांड होती है, इसकी अपनी डिमांड होती है कि मुझे ये बना दे, मुझे वो बना दे। चेक करें जरा किचन के क्या हाल हुए हैं, खाना शाना बन गया है और यहाँ पे काफी मेस क्रिएट हुआ है, सारा मैंने साफ करना है। ये मैं स्पेशल लाइट लेकर आई हूँ ताकि हम थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद हम इसको जो है खाना वाना खा लेंगे। तो अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन, बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग हेल्प ही करा दें यार, बहुत बर्तन आप लोग। एक छोटी सी टिप दे रही हूँ, कभी भी आपके काम वाली काम करें या आप खुद या कोई भी आपके घर में काम करो, आसपास कोई गर्म बर्तन हो तो कोई बर्तन धोने जाए उसको ज़रूर बताएंगे, वहाँ पे सॉस पैन और फ्राइंग पैन वगैरह गर्म है तो ध्यान से उनको ठंडा करके हाथ लगाना। तो इस तरह से मेरा हाथ जला, जैसे कभी भी जलने लगा था, यहाँ फ्राइंग पैन पड़ा हुआ मेरा हाथ जलने लगा था, बहुत मुश्किल से मेरा हाथ बचा है, बट इट्स ओके, काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बहुत काम करती हूँ। मैंने शाम को बाहर का सामान भी लेकर आई हूँ और शाम की हाइटी तो आज बाहर से आ गई थी और सुबह का जो है काम वाली के पीछे लगती हैं, काम करवाती हूँ और बड़े काम करती हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और शॉर्ट्स में आप लोग मेरी मेकअप वीडियोस देखते होंगे, आप लोगों को पसंद आती होंगी, नहीं आती तो भी उसको पसंद किया करें। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, यहाँ पे भी मेरे पिंपल, यहाँ पे पिंपल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक था, इसमें से डेली खून वगैरह निकलता था, मैंने इस पे सीरम शीरम लगाए थे और फिर मैंने सोचा है कि आज जो है अपना चेहरा कतरीना कैफ की तरह आइस वाटर में डाला जाए, तो ये आइस वाटर मैं ले आई हूँ और इसमें मुँह डाल देती हूँ। यह तो मुँह ही नहीं अंदर जा रहा, मेरा तो मुँह छोटा सा फिर भी अंदर नहीं जा रहा, फेल हो गया आइडिया। अब मैं फिर बाउल चेंज करके आ गई हूँ, मैं सुसाइड पे लाइट नहीं है तो ज़्यादा ही चेहरा मेरा, ओ मज़ा आ रहा है, ज़्यादा ही मेरा चेहरा ख़राब ख़राब लग रहा है। अभी मैं ना ये आ गई है जिमल और जिमल ने मुझे अगर देख लिया तो ये कहेगी कि मुझे दे दो आइस, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अभी मैं इसमें अपना वही बाउल वापस उठा लाई हूँ, इसमें अपना फेस डाल रही हूँ, चेहरा ही पूरा नहीं आ रहा। तो कहा इधर अच्छा दिन का मुँह का अच्छा नहीं धो लिया था, पर अभी कल है बस यही फिल्टर लगाया हुआ, अब धो भी अच्छे मुँह लंबा है पूरा नहीं आ रहा। क्या मसला, इधर से नहीं पानी पीना, गंदा है ये पानी, ये पानी गंदा है। उमा कर दो, उमा कर दो कैमरे में, कैमरे में इधर आओ, यहाँ के कैमरे में उमा करो, उमा करो पहले कैमरे में, पहले कैमरे में उमा करो, उधर उमा कर दो, हे ब्यूटीफुल पीपल, ये नहीं पी सकते गंदा है अम्मी लोग, हे क्यूटी चुलची चल। हाय अल्लाह जी, बच्चों वाले घर में व्लॉग बनाना इज वेरी टफ। क्या प्रॉब्लम है,
आ जाती हूँ, ले जाती हूँ सामान। ये स्किन के हालात अभी तो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है पानी, लेकिन अच्छा है ये, मतलब पिंपल वगैरह निकले तो मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे ये हम करेंगे और फिर देखेंगे कैसे रिजल्ट्स हैं। और मैं खाना खाने लगी हूँ, फिर हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। रात में हमारी लाइट चली गई थी और लाइट अभी अभी आई है, मैं ब्लॉग एंड नहीं कर सकी, नमाज मैंने अदा कर लिया फजर की और मैं सोने लगी हूँ। Thank you.